झांसी के समथल में पुलिस को सूचना मिली थी कि शाम के समय एक दुकान में बैठे व्यापारी पर कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी है, जिसके बाद आनंद फानंद में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई। झांसी के समथल नगर पालिका गेट के पास स्थित मोहल्ला कारीगरा निवासी पार्षद मनोज कुमार वर्मा पर मोटरसाइकिल पर बैठे तीन लोगों ने गोली मारकर जानलेवा हमला कर दिया। गोली चलने की आवाज से आसपास के दुकानदार दहशत में आ गए और बाजार में सामान खरीदने वाले ग्राहकों में हड़कंप मच गया। मामला शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास का है, जब पार्षद मनोज कुमार वर्मा अपनी दुकान पर बैठे थे कि तभी अग्गा बाजार की तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल पर तीन सवार व्यक्तियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोली मनोज वर्मा के सर के पास से निकल गई और वह बाल बाल बच गए। हमलावर मोटरसाइकिल से भागने में सफल हो गए। मनोज कुमार वर्मा ने उक्त गोलीकांड की जानकारी थाना प्रभारी शिव प्रसाद वर्मा को दी। घटना की जानकारी होने पर पुलिस बल घटनास्थल पर आया और जानकारी करने में जुट गया। उक्त घटना की जानकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार पुलिस क्षेत्राधिकारी मोट को होने पर उन्होंने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। मनोज कुमार वर्मा द्वारा समथर थाना में मामला दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। वहीं नगर के दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से मामला दर्ज कर घटना की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। मनोज कुमार वर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 5। ये मेरी दुकान है, इस दुकान पे मेरा छोटा भाई बैठता है, मैं भी बैठता हूँ साथ में। आप रोड से कोई तीन लोग मोटरसाइकिल सवार, उन लोगों ने कट्टे से फायर किया, क्योंकि गोली मेरे कान के ऊपर से निकली। ये भाई है, ये यहाँ बैठा था, मैं काम कर रहा था, ग्राहक खड़े थे, मैं बाइक पे काम कर रहा था। देखिए, अभी जानकारी प्राप्त हुई कि थाना समथर के अंतर्गत अग्गा बाजार में अज्ञात तीन व्यक्तियों द्वारा बाजार में एक मोटर पार्ट्स की दुकान थी, उसके पास में आकर पार्ट्स की दुकान पर फायर किया गया एक, और चलती बाइक से ही वो दौड़ के निकल गए हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है, मामले की जांच की जा रही है गहनता से और हम तहरीर का इंतजार कर रहे हैं। जैसी भी तहरीर आएगी विधिक कार्रवाई करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, जानकारी मिलते ही तत्काल आसपास के सभी थाना क्षेत्रों को, विशेषकर से बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है और सघन तलाशी और चेकिंग की जा रही है। ये बाइक सवारों को किसी भी दशा में निकलने नहीं दिया जाएगा और इनको पकड़कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। समथर से यशपाल सिंह की रिपोर्ट।